हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बच्चों, कन्फॉर्मेशन बनते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से। तो बच्चों, हम पहले डेफिनेशन देखते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। ठीक है बच्चों, तो ऑल दोज अरेंजमेंट which result from rotation about a single bond are called conformations और कॉन्फॉर्मर्स और रोटामर्स। बच्चों, इनको हम रोटेशनल आइसोमर्स भी कह सकते हैं, रोटेशनल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कन्फॉर्मेशन में हम क्या देखने वाले हैं, रोटेशन से जो अरेंजमेंट बनते हैं उनको हम बच्चों रोटेशनल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों इसमें पहला केस, कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है बच्चों, इथेन देखिए बच्चों, इथेन बच्चों CH3 CH3, और इथेन बच्चों क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और हम कहते हैं बच्चों इसका रोटेशन कैसा होता है, फ्री रोटेशन। ठीक है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को बच्चों हम आसानी से रोटेट कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए बच्चों, ये इथेन है, देखिए ध्यान से, ठीक है बच्चों, ये इथेन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इथेन बच्चों का ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है बच्चों, रोटेशन क्या फ्री है, हम उसको कितने भी डिग्री से कैसे भी घुमा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे भी घूमेगा। तो इसमें बच्चों क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इथेन में बच्चों कार्बन कार्बन सिंगल के बॉन्ड में कितने भी एंगल से रोटेट करें तो हम रोटेट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन बच्चों हम सब रोटेशन नहीं पढ़ते हैं, या जितने डिग्री से हर डिग्री से रोटेट करते हैं सबके बारे में नहीं सीखते, हम सिर्फ उन कन्फॉर्मेशंस को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशंस आर पॉसिबल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशंस आर पॉसिबल, रोटेशंस बच्चों वही है कन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो out of infinite number of rotations are possible, we will study only two extreme conformations, which are eclipsed and staggered. ठीक है बच्चों, तो हम इसमें बहुत सारे कन्फॉर्मेशंस बन सकते हैं, लेकिन बच्चों जो इम्पोर्टेंट हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिनको हम एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, एक तो अरेंजमेंट हम बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जिसमें हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को लिखा है।
ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से ऐसे देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कार्बन फ्रंट वाला इससे अटैच थ्री हाइड्रोजन एटम, इसी तरीके से बच्चों ये बैक वाला कार्बन इससे अटैच थ्री हाइड्रोजन एटम। एक तो बच्चों हम ऐसे पढ़ेंगे इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं सहॉर्स प्रोजेक्शन, एक इस तरीके से मिलेगा सहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। और बच्चों दूसरा हम ऐसे देखेंगे कि ये फ्रंट कार्बन है, अगर हम सामने से देखें तो हमें सिर्फ फ्रंट कार्बन नजर आता है, और जो बैक वाला कार्बन है, जो आपका फ्रंट है बच्चों, वो हमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का कंफर्मेशन बच्चों हम बोलेंगे इसको, जो प्रोजेक्शन है इसको बोलेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। दो इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्शन हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो जो बच्चों एक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड, एक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशंस आर आर रिप्रेजेंटेड बाय न्यूमैन एंड सहॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में बच्चों हम इस तरीके से लिखते हैं, तो ये फ्रंट कार्बन, और फ्रंट कार्बन से मतलब हमने इसको कंसीडर कर लिया, इस कार्बन को बच्चों मान लिया हमने फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन, और ये बच्चों इसको हमने कंसीडर कर लिया बैक कार्बन, ठीक है। तो अगर बच्चों हम इसको सामने से देखेंगे तो हमें फ्रंट कार्बन दिखेगा और बैक वाला कार्बन जो है वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन को बच्चों हमने ऐसे डॉट से लिखा, और जिसके पीछे वाला कार्बन है उसको हमने इसे सर्कल से बना दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो डॉट है ये फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सर्कल है ये है बैक कार्बन, ठीक है, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में हमने कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो ऐसे छिपा हुआ है, दूर से दिखने में ऐसे लगता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए फ्रंट कार्बन से क्या अटैच है, थ्री हाइड्रोजन, तो तीन बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये एच, ये एच और ये एच। इसी तरीके से बच्चों बैक कार्बन है उससे भी अटैच थ्री हाइड्रोजन है, बच्चों हम इसको देख रहे हैं अगर इस तरीके से, तो हमें क्या नजर आ रहा है, तो इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। और इस तरीके से देखिए ये वाले हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन नजर आ रहा है इस तरीके से। तो बच्चों हमने क्या किया, जो हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे नजर आ रहे हैं उनको हमने इसे लिखा इस तरीके से, ठीक है। और फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है इनके बीच का जो एंगल है बच्चों वो है 0 डिग्री, तो इस एंगल को हम कहते हैं बच्चों डायहेड्रल एंगल, ठीक है। तो ये बच्चों जो एंगल है 0 डिग्री का है, इसको हम बोल रहे हैं डायहेड्रल एंगल, ठीक है। तो जो बच्चों कन्फर्मेशंस में हम रोटेशंस करते हैं वो इन्हीं यही एंगल चेंज होता है डायहेड्रल एंगल, इसके जो बॉन्ड एंगल है बच्चों वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चेंज होता है क्या डायहेड्रल एंगल। तो बच्चों हमने इसको रोटेट किया 60 डिग्री से, जब हमने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया और फ्रंट वाला जो कार्बन है उसको हमने फिक्स मान लिया, ठीक है बच्चों। तो रोटेशन कुछ ऐसा है, इसको हमने फिक्स किया फ्रंट को, किसी को भी हम फिक्स कर सकते हैं लेकिन हम फ्रंट को फिक्स कर रहे हैं, फ्रंट को फिक्स किया और बैक वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट किया, तो कुछ ऐसा बना अरेंजमेंट बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या मिला, कीपिंग फ्रंट कार्बन फिक्स, ये एच, ये एच और ये एच, ठीक है बच्चों। 60 डिग्री रोटेशन से बैक कार्बन का एच बच्चों यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन बच्चों इनके बीच में आ जाएगा यहां पर, और ये हाइड्रोजन बच्चों यहां पर आ जाएगा। तो ये एंगल दिख रहा है बच्चों आपको 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री एंगल क्या है बच्चों, डायहेड्रल एंगल, ठीक है। तो बच्चों हम इनकी बात करें, तो जिसमें कार्बन के पीछे कार्बन है ऐसे कन्फर्मेशन को बोलते हैं बच्चों एक्लिप्स्ड
एक्लिप्स्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बना, एक्लिप्स्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन, और इसको बोलते हैं बच्चों स्टैगर्ड स्टैगर्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, हमने इथेन के दो प्रोजेक्शंस बना लिए, एक को बोलते हैं एक्लिप्स, दूसरे को बोलते हैं स्टैगर्ड। ठीक है बच्चों, इसमें अगर हम बॉन्ड की बात करें, हमने ऐसे बॉन्ड दिखाया, ठीक है, और बच्चों देखिए इसको ऐसे लिखा इस तरीके से, जैसा ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, जैसा दिख रहा है हमने वैसे बना दिया इस तरीके से। देखिए बच्चों ऐसे इसको हम ऐसे रख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ऐसा वाई जैसा दिखता है, और एक इस तरीके से ये वाई जैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड वाई हमने उसको बना लिया ये। तो बच्चों जैसा दिख रहा है फ्रंट कार्बन, मान ये इसको हमने फ्रंट कार्बन बोला, जो हमने यहां से देखा है बच्चों, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, जिससे अटैच किया बच्चों हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसी तरीके से बैक में क्या है बच्चों, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, वैसे ये है एच एच और ये एच। बच्चों ऐसे प्रोजेक्शन को बोलते हैं सहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है अब बच्चों, अगर हम इसके स्टैगर्ड की बात करें बच्चों, फ्रंट तो फिक्स है एच एच और एच, घुमाया था बच्चों हमने बैक को, ये वाला कुछ ऐसा दिख रहा है बैक वाले में, देखिए ये एच और ये ऐसे, तो ये वाला फ्रंट वाला है इन्वर्टेड वाई जैसा दिखता है, और जो बैक कार्बन पर है ये बिल्कुल वाई जैसा दिख रहा है, हमने उसको वैसे बना दिया इस तरीके से एच एच और ये एच। ठीक है बच्चों, ये सहर्स प्रोजेक्शन है, और सहर्स प्रोजेक्शन में इसको हमने एक्लिप्स न्यूमैन से बनाया, तो ये एक्लिप्स है। और बच्चों हमने इसको स्टैगर्ड से बनाया है, तो ये स्टैगर्ड है। ठीक है, तो एक दोनों ही प्रोजेक्शन क्या है बच्चों, सहर्स हैं, एक को हमने एक्लिप्स कहा, दूसरे को स्टैगर्ड कहा। इस तरीके से ये बच्चों ये दोनों ही प्रोजेक्शन क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है, एक एक्लिप्स्ड है और दूसरा क्या है बच्चों स्टैगर्ड है। ठीक है, बच्चों ये एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड एक दूसरे में आसानी से इजिली रूम टेम्परेचर पर ही ये क्या बच्चों रोटेट होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है कि इनको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हम लिखते हैं एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन आर नॉट आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो रूम टेम्परेचर पर इन कन्फॉर्मेशंस को आइसोलेट नहीं किया जा सका है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों इनमें स्टेबिलिटी की। बच्चों स्टेबिलिटी में देखिए कौन सा कन्फॉर्मेशन एक्लिप्स और स्टैगर्ड में से कौन सा वाला कन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल है। बच्चों अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो एक्लिप्स्ड एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल। कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है बच्चों, एक्लिप्स Eclipsed conformation is less stable, than staggered. ठीक है बच्चों, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो एक्लिप्स की स्टेबिलिटी कम है
और स्टेगर्ड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब बच्चों रीजन समझते हैं यहाँ पर कि क्या है कहानी इनके बीच की, ठीक है। तो देखिए बच्चों, देखिए अगर हम बात करें एक्लिप्स में बच्चों क्या है, ये बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के जस्ट बिल्कुल पीछे है, तो बिल्कुल क्लोज है ये, ठीक है। तो बिल्कुल पास होने की मतलब बिल्कुल पीछे होने की वजह से क्या है, इनके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है बच्चों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, ठीक है बच्चों। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको देखिए जो बॉन्ड बना रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है बच्चों, रिपल्सन होता है, रिपल्सन, ठीक है। और ऐसे रिपल्सन को ही बोलते हैं बच्चों हम टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। तो बात करें बच्चों, ये चीज एक्लिप्स में होता है, तो एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन इज लेस स्टेबल देन स्टेगर्ड ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है बच्चों, रिपल्सन बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन की वजह से के रिपल्सन को ही हम बच्चों बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन, बात समझ गए। अब बात करें ये स्ट्रेन मैक्सिमम कहां पर है, इस जगह पर मैक्सिमम है, और स्टैगर्ड में बच्चों क्या है, देख रहे हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर ही है, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये और ये, तो यहां पर हमने क्या किया, ऐसे रोटेशन था बच्चों, इस तरीके से ये बॉन्ड थे, एक्लिप्स वाला कुछ ऐसे दिखता है बच्चों, देखिए हाथ हमने दोनों जोड़े हुए एक तरीके से, थंब के ऊपर थंब, फिंगर के ऊपर सारी फिंगर आ रही है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, एक्लिप्स्ड है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं ऐसे, ठीक है, तो रोटेशन से क्या होगा, जो बॉन्ड एक दूसरे के पीछे है, रोटेट करने से क्या होंगे वो बच्चों, ये अलग हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के जस्ट पीछे नहीं रहेंगे। तो जस्ट पीछे वाला जो कंफर्मेशन है एक्लिप्स, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बच्चों क्या है, ये रिपल्सन होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जैसे रोटेट करेंगे तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में बच्चों हमने देख लिया स्टैगर्ड, ठीक है, ज्यादा स्टेबल है एक्लिप्स से, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट कंफर्मेशन, कंफर्मेशन ऑफ प्रोपेन, दूसरा देखते हैं बच्चों कंफर्मेशन ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन में बच्चों इथेन जैसा ही है, CH3 CH2 CH3। बच्चों कार्बन वन और कार्बन टू के बीच में हम कंफर्मेशन बनाते हैं बच्चों, इथेन से देख रहे हैं हाइड्रोजन हटा करके एक CH3 लगा दिया गया है, तो यहां पर भी वही दो केसेस मिलेंगे हमें, CH3 H H
और बच्चों ये H और ये H, जिसमें ग्रुप एक दूसरे के पीछे हैं, तो ये बच्चों क्या है, एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। बच्चों ने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया, फ्रंट वाले को फिक्स कर दिया, और बैक वाले को रोटेट किया है, तो रोटेशन से जो बैक वाले कार्बन पर जो एटम लगे हुए हैं वो इन दोनों के बीच में आ जाएंगे, फ्रंट वाले के बीच में 60 डिग्री से, इस तरीके से कुछ ऐसे। तो ये मिला बच्चों स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये फर्स्ट है बच्चों, ये सेकंड है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टैगर्ड वाला बच्चों एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, तो बच्चों ब्यूटेन का कन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ब्यूटेन क्या है बच्चों, CH3, CH2, CH2, CH3, 1, 2, 3 and 4। तो बच्चों हम इसमें जो रोटेशंस देखेंगे, जिन जिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड हम इसका कन्फॉर्मेशन बना रहे हैं, वो हम ले रहे हैं बच्चों C2C3, ये वाला, ठीक है। C2C3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम 1, 2 के बीच में बना सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मेशन क्या है, कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अगर हम बनाते हैं C2C3 सिंगल बॉन्ड के अबाउट हम कन्फॉर्मेशन बनाते हैं, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं पहला केस से ही, पहले पॉइंट से ही, कि हमने पहला कन्फॉर्मेशन तैयार किया, ठीक है, जिसमें क्या है, ध्यान दीजिए, तो कार्बन 2 से अटैच किया है 2 हाइड्रोजन और 1 CH3। तो बच्चों हमने क्या लगाया, 3 बॉन्ड है हमारे पास, 1 CH3 लगा दिया एक बॉन्ड पर, और दूसरे बॉन्ड पर हमने बच्चों क्या किया है, इन 2 हाइड्रोजन्स को रखा, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए, इसके साथ कार्बन 3 जो कि बैक वाला है, इससे अटैच किया है 2 हाइड्रोजन और 1 CH3। तो पहले हम इक्लिप्स तैयार कर लेते हैं, ये बच्चों CH3 और ये H और ये H, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कन्फॉर्मेशन जो बना इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। और चूंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, CH3 के पीछे CH3 बन रहा है और H के पीछे H आ रहा है, H के पीछे H आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फुली इक्लिप्स्ड, फुली, ये है बच्चों फुली इक्लिप्स्ड, ठीक है। अब हम बच्चों रोटेशन स्टार्ट करते हैं 60 डिग्री से, ठीक है, फ्रंट वाले को फिक्स कर देते हैं, CH3, H और H। तो जब 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो जो पीछे वाला कार्बन से अटैच CH3 है, वो ये इस फ्रंट वाले CH3 और H के बच्चों क्या होगा, ऐसे बीच में मिलेगा, तो ये यहां पर मिलेगा बच्चों, ठीक है। अब जब रोटेशन होगा, जब ये पीछे वाला घूमेगा तो CH3 बीच में आया, तो हाइड्रोजन भी ये वाला यहां पर आ जाएगा बच्चों, और ये वाला हाइड्रोजन भी यहां पर आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों एक और हम रोटेशन देखते हैं, फिर बच्चों हम इसको 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, ठीक है। अब जब रोटेट करेंगे तो फ्रंट वाले को तो बच्चों हमने फिक्स रखा है, इस तरीके से देखिए, फ्रंट वाला क्या है बच्चों, फिक्स है CH3, H और H। रोटेशन कर रहे हैं हम बच्चों बैक वाला जो कार्बन है, ठीक है। अब की बार क्या होगा बच्चों, जब ये, क्योंकि इन दोनों के बीच का बच्चों एंगल, ऐसा एंगल क्या है, 120 डिग्री, ठीक है। तो एक बार 60 से रोटेट किया तो वो बीच में आया, अगली बार 60 से रोटेट करेंगे तो बच्चों वो CH3 और ये H वाले बॉन्ड पर ये CH3 आ जाएगा, बिल्कुल पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये CH3 यहां पर आ गया, और बच्चों ये हाइड्रोजन घूम के यहां पर चला जाएगा, ठीक है, और ये H यहां पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं,
हमने ऐसे साइड में लिखा हुआ है, लेकिन है क्या बिल्कुल ये बच्चों एक ऐसे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर हम बिल्कुल पीछे नहीं लिख सकते, इसलिए क्या किया थोड़ा सा साइड में लिख दिया। अब देखिए फिर बच्चों हमने इसको 60 डिग्री पर रोटेट किया, ठीक है, फ्रंट को फिक्स रखा है, ये है बच्चों सी एस थ्री, ये एच और ये एच, ठीक है। अब जब रोटेट करते हैं तो बच्चों तो ये सी एस थ्री फिर 60 डिग्री में घूम के बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये और ये एंगल पूरा एंगल बच्चों ये कितना है, ये पूरा एंगल 120 डिग्री का है, तो बीच में आ जाएगा 60 पर, ठीक है। तो 60 पर रोटेट किया तो कुछ हमें ऐसे मिलेगा सी एस थ्री यहां पर, ठीक है, और ये एच बीच में और ये वाला एच यहां पर बीच में आ गया, ठीक है, ठीक है। तो हम तब तक रोटेट करते हैं जब तक वापस पुराने वाले पे ना आ जाए। अब हम क्या करते हैं बच्चों फिर से घुमाते हैं 60 डिग्री से, ठीक है, तो सी एस थ्री एच एच और अब बच्चों ये सी एस थ्री फिर यहां पर आ जाएगा, ठीक है, एच बच्चों यहां पर मिलेगा और ये इस तरीके से मिला, ठीक है। अब बच्चों फिर से घुमा दीजिए इसको, ठीक है, फ्रंट को फिक्स रखते हैं, ठीक है, और अब की बार बच्चों ये वाला सी एस थ्री यहां पर आ जाएगा, सी एस थ्री और बच्चों एच और ये एच। अब बच्चों अब अगर इस बार हमने घुमाया 60 डिग्री से, अब अगर बच्चों ने 60 से इसको रोटेट किया तो ये सी एस थ्री फिर एक दूसरे के पीछे आ जाएगा, तो वापस हमें पुराना वाला जो कंफर्मेशन है वो मिल जाएगा। तो बच्चों हमने इसको नाम दिया वन, ये बच्चों टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर और ये है बच्चों फाइव और इसको बच्चों हमने कह दिया ये सिक्स, ठीक है, ये इनके बच्चों नेम हो। देखिए बच्चों ये इसमें देखिए ये व्हाइट वाले व्हाइट के बिल्कुल पीछे नजर आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, और ये वाला व्हाइट इसके पीछे नजर आ रहा है और ये कलर वाला आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पीछे नजर आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप देखिए ये तो सेम कलर एक दूसरे के पीछे है, तो जैसे ये सी एस थ्री ग्रुप हो गए और ये बच्चों हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट पीछे हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों फुली एक्लिप्स्ड, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इसको इस तरीके से देखें ऐसे, तो जो अभी क्या है इस सी एस थ्री के पीछे ये हाइड्रोजन है, तो एक्लिप्स तो है लेकिन ये फुली नहीं है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स्ड, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसको ऐसे पहुंचा दें बच्चों घुमा के, इस सी एस थ्री के और इस सी एस थ्री ये दोनों बच्चों क्या है एंटी हो गए, जस्ट अपोजिट हो गए, तो ये जस्ट अपोजिट हो गए तो हम बोलते हैं बच्चों इस तरीके की कन्फॉर्मेशन को एंटी, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं इनके नेम, ये बच्चों क्या है फुली एक्लिप्स्ड और ये बच्चों क्या है, अब यहां देखिए ये है जस्ट अपोजिट है, इसको हमने कहा बच्चों एंटी। ये क्या है यहां पर सी एस थ्री और सी एस थ्री एक दूसरे के पीछे है, ये बच्चों क्या है फुली एक्लिप्स्ड है और इसको नाम दिया है बच्चों एंटी। अब बच्चों ये एक्लिप्स्ड और एंटी के बीच में जो बन रहे हैं इसको देख लीजिए, ये भी एक्लिप्स्ड है, ये फुली नहीं, ये क्या है पार्शियल एक्लिप्स्ड है, पार्शियली या पार्शियल एक्लिप्स्ड, ठीक है, ये बच्चों क्या है पार्शियल एक्लिप्स है। अब बच्चों इसको देखिए ये वाला भी क्या है एक्लिप्स है, तो पार्शियल एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों हम इसको बोलते हैं गॉच, गॉच और स्क्यू नाम देते हैं इसको। और बच्चों ये भी क्या है गॉच और स्क्यू, ठीक है, ये बन गया,
ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर स्टेबिलिटी का अगर हम कंपेयर करें कि इनमें सब में ज्यादा स्टेबल कौन है और कम स्टेबल कौन है, ठीक है, तो बच्चों देखिए स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं बच्चों हम, स्टेबिलिटी तो बच्चों क्या है कि फुली इक्लिप्स्ड में सिमिलर ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी बच्चों सबसे कम है, ठीक है। और एंटी वाला फॉर्म बच्चों क्या है, एंटी में यही ग्रुप CH3 और CH3 वाले जो ग्रुप हैं बिल्कुल दूर चले गए हैं, तो एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है बच्चों, एंटी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। और फुली इक्लिप्स क्या है, सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के जस्ट पीछे, तो भारी रिपल्सन है बच्चों यहाँ पर इस तरीके से, इस रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बच्चों क्या सबसे कम है, ठीक है। तो देखिए तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाएं तो एंटी मिलेगा सबसे ज्यादा और सबसे कम मिलेगा बच्चों आपको फुली इक्लिप्स्ड, ठीक है। अब बात करते हैं एंटी और फुली इक्लिप्स के बीच में, तो बच्चों एंटी ज्यादा स्टेबल है, एक्लिप्स कम स्टेबल है। तो एक्लिप्स में बच्चों क्या है, दो हैं, दो तरीके की, पार्शियल और फुली। तो फुली का मतलब CH3 बिल्कुल पीछे, रिपल्सन ज्यादा है, और यहाँ पर CH3 के पीछे क्या है, एच है, तो रिपल्सन बच्चों यहाँ पर क्या है कम है, तो फुली से पहले आ जाएगा एंटी पार्शियल एक्लिप्स्ड, पार्शियल एक्लिप्स्ड। अब बच्चों अगर देखें, अब बच्चा एक गॉच और स्क्यू, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म क्या है बच्चों, एंटी। अगर हम बच्चों एंटी की बात करें तो एंटी ये रहा, बच्चों CH3 एच एच और ये H और ये H, ठीक है। और इसमें बात करें गॉच में, तो गॉच कुछ बच्चों ऐसा दिख रहा है आपको, CH3 H H और बच्चों ये CH3, ये H और ये H, ठीक है। और बच्चों अगर फुली इक्लिप्स आप देखो, तो फुली इक्लिप्स हमें दिखा बच्चों कुछ ऐसे, बच्चों फुली इक्लिप्स में सबसे ज्यादा रिपल्सन देखने को मिलते हैं। एक तो बच्चों देखिए यहाँ पर दो तरीके के रिपल्सन हमें देखने को मिल रहे हैं, एक तो बच्चों ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही तो है ही, ठीक है, तो रिपल्सन बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर रिपल्सन की बात करें, कौन कौन से रिपल्सन प्रेजेंट है, एक तो है बच्चों टॉर्सनल स्ट्रेन, बच्चों इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन प्रेजेंट है, और दूसरा बात करें बच्चों इसमें वंडरवॉल स्ट्रेन भी प्रेजेंट है, वंडरवॉल स्ट्रेन या वंडरवॉल रिपल्सन, ठीक है। तो वंडरवॉल रिपल्सन क्या है बच्चों, रिपल्सन बिटवीन ग्रुप्स, रिपल्सन बिटवीन ग्रुप्स। तो ग्रुप कौन से बच्चों, ये CH3 और CH3 पास होने की वजह से, तो इसमें बच्चों क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन भी है, रिपल्सन बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड वंडरवॉल रिपल्सन, रिपल्सन बिटवीन ग्रुप, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, मैक्सिमम है कहां पर, एक्लिप्स में, और मिनिमम कहां पर होता है बच्चों, एंटी वाले में, और बीच में कहां पर आ गया, गॉच वाले में, ये बच्चों इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, ठीक है, इस वजह से ये बीच है, बीच में है। तो बच्चों ये इसमें स्टेबिलिटी का ये रीजन था कि एंटी वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रिपल्सन कम है। बच्चों सिंपल सी बात है, जहां पर रिपल्सन मतलब झगड़ा कम है, और वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट नोट करते हैं बच्चों,
पॉइंट क्या है नोट करें बच्चों, तो अगर हम एनटी में बच्चों बात करें एनटी में, तो मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन ठीक है, मिनिमम वन डर वाल स्ट्रेन ठीक है, और एक्लिप्स की बात करें अगर बच्चों तो मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम वन डर वाल स्ट्रेन ठीक है बच्चों। अगर गॉज की बात करें तो गॉज में क्या है, इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट टॉर्सनल स्ट्रेन और इंटरमीडिएट वन डर वाल स्ट्रेन ठीक है। इस वजह से बच्चों स्टेबिलिटी में हम ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी तो एनटी सबसे आगे मिला बच्चों, गॉच बीच में रहेगा क्योंकि गॉच इंटरमीडिएट है, और एक्लिप्स बच्चों ये सबसे पीछे रह जाएगा। ये बच्चों था इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ठीक है। तो हम उन केसेस को देखते हैं जहां पर गॉच की स्टेबिलिटी एनटी से ज्यादा होती है ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों इथाइलीन ग्लाइकॉल को, इथाइलीन ग्लाइकॉल ठीक है। इथाइलीन ग्लाइकॉल क्या है बच्चों, CH2 OH और ये OH, ये बच्चों इथाइलीन ग्लाइकॉल है। अगर हम बच्चों इथाइलीन ग्लाइकॉल में कार्बन 1 और कार्बन 2 के अराउंड हम न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाए बच्चों, हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए ठीक है। तो बच्चों इससे अटैच क्या है, OH ग्रुप है और दो हाइड्रोजन है वो हमने लिखे ठीक है। हमने बच्चों पहले फुली इक्लिप्स तैयार कर लेते हैं, तो कार्बन जो 2H जैसे इसके पीछे है, तो फुली इक्लिप्स मतलब सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के पीछे होने चाहिए इस तरीके से ठीक है। अब हमने बच्चों एक कंफर्मेशन दूसरा तैयार कर लिया, फ्रंट को फिक्स कर दिया और दूसरा OH यहां पर आ गया, ये H यहां पर आ गया, ये H यहां पर आ गया, ये बच्चों बन गया गॉच। और एक और हमने तैयार कर लिया बच्चों एनटी वाला, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं हम बस उन्हीं को लिख रहे हैं, OH और H, H, H और ये H ठीक है। ये बन गया बच्चों एनटी ठीक है। और ये तो बच्चों क्या है, फुली एक्लिप्स है ठीक है। ये बच्चों फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब बच्चों हम स्टेबिलिटी अगर हम देखें इनमें कंपेयर करने स्टेबिलिटी को, बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल है सेकंड जो कि गॉच है, फिर मिलेगा बच्चों थर्ड और पीछे हो जाएगा बच्चों फर्स्ट वाला ठीक है। अब बच्चों इसमें समझने वाली बात यह है कि इस तरीके की कंफर्मेशन में गॉच की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है ठीक है। तो बच्चों देखते हैं गॉच की स्टेबिलिटी के पीछे की वजह क्या है, तो वजह हम जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये OH, H, H और बच्चों ये H और ये है बच्चों OH और ये H ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है, वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बना लेते हैं ठीक है। तो यहां पर इसका इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में पास होने की वजह से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं जो कि क्या है, इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड ठीक है।
तो ये क्या बना लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो बच्चों बात करें कि गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी, ठीक है, तो इन केस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इन केस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल गॉच कन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल देन एंटी ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड। तो बच्चों क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसमें से आगे आ गया। तो बच्चों जिन जिन केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा वो वाले एंटी से ज्यादा स्टेबल पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वो उस तरीके का सिस्टम देखिए जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, अब बच्चों आप इसको ना समझिएगा कि जो फुली इक्लिप्स्ड है इसमें भी OH OH बॉन्ड एक दूसरे के पीछे हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो बच्चों क्या है, आपको पता है कि बॉन्ड बनाने के लिए एक सर्टेन डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो कि है दो दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में, तो वो क्या है कि और बॉन्ड बनना मतलब क्या है, एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स भी है। ठीक है, तो अगर ये बहुत ही पास में आ गए, तो बिल्कुल ही क्लोज आ गए, तब अट्रैक्शन नहीं है बच्चों, क्या होगा, रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, ये दोनों OH है तो जरूर बिल्कुल पास पास है, रिपल्सन है, रिपल्सन के की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, बिल्कुल जस्ट पीछे है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस रिक्वायर्ड है जो कि यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाती। बच्चों आप इसमें ना समझिएगा कि एक्लिप्स वाले में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों पास पास है कि बिल्कुल पास है, लेकिन यहाँ पर बच्चों रिपल्सन है, तो रिपल्सन मैक्सिमम होने की वजह से बॉन्डिंग जो अट्रैक्शन है बच्चों यहाँ पर बहुत कम है, जो बॉन्डिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो वो केसेस और देखते हैं एग्जांपल्स, जनरल जो केस है, जैसे बच्चों हमने लिया है ऐसे सभी केसेस में CH2, जैसे मैंने बच्चों OH लिया है, यहाँ पर कोई जेड एटम ले लिया। ठीक है, अब जेड ऐसा एटम होना चाहिए जो इस OH के साथ बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। ठीक है, तो जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे बच्चों फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, खुद OH ग्रुप है, CHO है, बच्चों NH2 है, COOH है, इस तरीके से बच्चों OCH3 है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है वो सब के सब, इन सभी केसेस में स्टेबिलिटी बच्चों मिलेगी हमें गॉच ग्रेटर देन एंटी। ठीक है बच्चों, ये वो केसेस थे जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बच्चों स्टेबिलिटी गॉच फॉर्म की ज्यादा होती है। ठीक है, एक दो एग्जांपल लेते हैं, और बच्चों देखिए CH2 OH और CH2F, तो बच्चों फ्लोरीन आ गया है अभी OH के प्लेस पर, तो बच्चों OH और H और ये बच्चों फ्लोरीन और H और ये H। ठीक है, इस फॉर्म की स्टेबिलिटी देखो, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसके एंटी वाले से ज्यादा होगी, ये OH F H H, ये बच्चों कुछ ऐसे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मैं लिखता हूँ ऐसे CH2 COOH और CH2, ऐसे NH2 है बच्चों, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, तो C डबल बॉन्ड O
और एच 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 और बच्चों ये NH2, इनकी भी बच्चों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला अपने एंटी वाले से ज्यादा स्टेबल होगा, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं बच्चों, CH2Cl, CH2OH। ठीक है, इसमें देख लीजिए बच्चों, ये ओ एच 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 क्लोरीन एच और एच, इसके भी बीच में बच्चों क्या है, एच बॉन्ड है क्लोरीन और एच के बीच में। क्लोरीन भी कुछ केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसके एंटी वाले से। ठीक है, तो बच्चों हमने उन केसेस को देख लिया जहां पर गॉच की स्टेबिलिटी एंटी वाले कंफर्मेशन से ज्यादा है और रीजन था बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन करते हैं, इसमें लिखा है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का दिया हुआ है। ठीक है, और बच्चों इसमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है कि एक्स और वाई ये क्या होगा। ठीक है, कौन सा एटम होगा या कौन सा ग्रुप होगा वो हमें देखना है। तो बच्चों देखिए, 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटेन पहले हम बनाते हैं बच्चों, CH3 CH CH3 CH CH3 एंड CH3। ये बच्चों क्या है, 1 2 3 4। तो बच्चों ये है 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, हमने बना लिया। अब देखिए, हमें सिर्फ एक्स और वाई निकालना है बच्चों। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि किस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट ये कन्फर्मेशन बनाया गया है बच्चों। हम समझ सकते हैं, हम कार्बन वन और कार्बन टू के बीच में भी ये कन्फर्मेशन को देख सकते हैं, हम कार्बन थ्री और कार्बन फोर कार्बन टू और कार्बन थ्री के बीच में भी देख सकते हैं। तो 1 2 के बीच में बच्चों ये कन्फर्मेशन कार्बन वन कार्बन टू के बीच में हो सकता है, मतलब फ्रंट कार्बन में वन हो या टू हो, जैसा देखेगा हम उसी तरीके से कंसिडर कर लेंगे। या बच्चों ये कन्फर्मेशन C2 C3 के बीच में हो सकता है। ठीक है, बाकी ये 3 और 4 तो 1 2 जैसा ही है। तो बच्चों जब कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम दोनों ही जो जो जितनी पॉसिबिलिटी नजर आएंगी हम सभी पॉसिबिलिटीज पर हम विचार करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं बच्चों कार्बन वन और कार्बन टू के बीच में। ठीक है, इससे इमेज करेगा तो हम 2 और 3 के बीच में चलेंगे। ठीक है, तो कार्बन वन फ्रंट में भी हो सकता है, कार्बन वन जो है ये बैक भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा दिख रहा है उसी से हम देखते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम कार्बन वन और कार्बन टू में इस कंफर्मेशन की अगर बच्चों बात करें तो ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, तो कार्बन वन में 3 हाइड्रोजन है और कार्बन टू में बच्चों एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कार्बन वन में अगर आप बच्चों देखिए, अगर हम इसको फ्रंट कार्बन कंसीडर करें, इस वाले को फ्रंट कार्बन वन को, ठीक है, ये बच्चों ये कार्बन वन है आपका फ्रंट वाला और कार्बन टू को हमने बैक वाला मान लिया। तो फ्रंट वाला है बच्चों ये डॉट और बैक वाले को हमने ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट किया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, कार्बन फ्रंट में 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 दिख रहे हैं, इसका मतलब यही फ्रंट है बच्चों। ठीक है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन टू में तो है नहीं, कार्बन टू में तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो फ्रंट में क्या है बच्चों, कार्बन वन है। ठीक है, तो कार्बन वन फ्रंट में है। ठीक है, तो बच्चों C1 से अगर हम बात करें तो H H और H अटैच है, 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो बच्चों इसमें दिखे 2 तो आपको दिख रहे हैं और तीसरा क्या है, अननोन है, जिसको X का। तो अगर हम बच्चों X की बात करें तो X क्या हो गया, H हो गया, मैच करवा दिया हमने। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं कार्बन 2 की। तो कार्बन 2 में अगर आप बच्चों देखो, कार्बन 2 में तो कार्बन 2 से जो अटैच जो चीजें हैं बच्चों, वो बैक कार्बन है और बैक कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन CH3 और Y। तो बच्चों हमें दिख रहा है हाइड्रोजन है, CH3 है और Y है, और Y क्या है बच्चों, अननोन है। ठीक है, इसमें क्या था, H H और X था, तो X अननोन हमने कंपेयर किया। अब बच्चों C2 में देखिए, तो C2 में क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक CH3 वो भी है। देखिए बच्चों ये है CH3 हाइड्रोजन और ये पूरा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है,
तो यही ग्रुप बच्चों क्या है, वाई है जो कि अननोन है। तो वाई क्या होगा बच्चों, सिर्फ कंपेयर करके देख लेना है। तो वाई क्या है बच्चों, सी एच और दो सी एस थ्री है, ऐसे सी एस थ्री और सी एस थ्री, हम इसी को ऐसे लिख देते हैं बच्चों, सी एच सी एस थ्री होल ट्वाइस। बच्चों ये ग्रुप लगा हुआ है, तो बच्चों हम इसमें मैच करवाते हैं। तो X बच्चों है हाइड्रोजन, X और Y रिस्पेक्टिवली पूछा है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, इसमें भी नहीं है। तो बच्चों D वाले ऑप्शन में देखिए, H हाइड्रोजन है, जो X है हाइड्रोजन है, और Y क्या है बच्चों, Y है आपका ये सी एच सी एस थ्री होल ट्वाइस वाला ग्रुप। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है मैचिंग करवा के, ठीक है। तो कार्बन वन और कार्बन टू के बीच में हमने ये न्यूमैन प्रोजेक्शन को देखा और जिसमें हमने एक्स और वाई को आइडेंटिफाई किया, ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, 2.2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का प्रोजेक्शन बनाया हुआ है और हमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए CH3, CH2, CH3, तो ये बच्चों 1, 2, 3, 4, तो ये बच्चों 2.2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया। अब बच्चों इसमें भी एक्स और वाई को आइडेंटिफाई किया है। अब बच्चों यहां पर भी नहीं बताया है कि किस बॉन्ड के अबाउट इस कंफर्मेशन को बनाया गया है। तो जब तक बच्चों ऐसा मेंशन ना करें तब तक हम क्या करते हैं, सभी संभावनाओं पर विचार करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये कंफर्मेशन बच्चों कार्बन वन कार्बन टू के बीच में हो सकता है। तो तीन जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको देखिए बच्चों, कार्बन वन कार्बन टू के बीच में हो सकता है, ठीक है, कार्बन टू कार्बन थ्री के बीच में हो सकता है। अब बच्चों ये थ्री और फोर अब ये अलग है, ठीक है। तो ये बच्चों कंफर्मेशन C3C4 बॉन्ड के अबाउट हो सकता है, ठीक है। अगर बॉन्ड मेंशन किया है तो हमारे लिए थोड़ा सा काम कम रहेगा, ठीक है, फिर भी समझने के लिए क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम तो तीन पॉसिबिलिटीज मिली, 1, 1, 2, 2, 3 और 3, 4 के बीच में। अगर हम बच्चों कार्बन वन और टू की संभावनाओं पर विचार करें, कार्बन वन और टू के बीच में अगर देखना चाहें, तो बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर हम कार्बन वन की बात करें, ठीक है, तो देखिए कार्बन वन C1 C2 देख रहे हैं, तो C1 से अटैच चीजें क्या है बच्चों, कार्बन वन से अटैच चीजें क्या है, H, H और H, ठीक है, तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और बच्चों कार्बन टू से आप देखिए, तो कार्बन टू से क्या अटैच है, तो बच्चों देखिए कार्बन टू से क्या अटैच है, ध्यान दीजिए कार्बन टू से अटैच तीन बॉन्ड देखने हैं आपको, एक CH3 दूसरा CH3, तो CH3 फिर CH3, ठीक है, और फिर क्या है ये पूरा बॉन्ड C2H5 ये मिला, ठीक है। अब चीजें देखो क्या मैच कर रही है, दो हाइड्रोजन कहाँ है, ये फ्रंट वाला, तो कार्बन वन जो है बच्चों ये आपका डॉट हो गया, ठीक है, और कार्बन टू क्या है, सर्कल हो गया, क्योंकि दो हाइड्रोजन आपको फ्रंट में दिख रहे हैं। अब एक्स अननोन है, तो आप देखिए दो हाइड्रोजन है, यहां पर भी टू हाइड्रोजन है, तो बच्चों ये एक्स हो गया अननोन, ठीक है, दो तो हो गए जो अननोन था। अब जो कार्बन जो टू है उसमें दो सी एस थ्री जुड़े हुए हैं, तो दो सी एस थ्री बच्चों यहां पर भी है, और वाई क्या हो गया अननोन, ये हो गया बच्चों वाई, ठीक है। तो हमने बच्चों देखा एक्स और वाई को आइडेंटिफाई किया, तो एक्स और वाई क्या है बच्चों, एच एंड C2H5, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों अभी हम बता देते हैं, ये मल्टीपल है, ठीक है, वैसे नीट में तो आपको सिंगल ऑप्शन ही आएगा, लेकिन समझने के हिसाब से इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है, तो इसमें तो सिंगल बनाया जा सकता है इसको आसानी से, ठीक है। अब बच्चों हम चेक करते हैं कार्बन टू और कार्बन थ्री के बीच में, ठीक है बच्चों। अब हम चेक करते हैं बच्चों कार्बन टू और कार्बन थ्री के बीच में, तो कार्बन टू को देखिए बच्चों, तो सी टू से अटैच चीजें क्या है, CH3 और CH3, ठीक है, तो टू और थ्री में देख रहे हैं, तो टू से जुड़े हुए बॉन्ड तीन देखने हैं आपको, तो CH3 और CH3, ठीक है। अब कार्बन टू से जुड़ी हुई चीजों को देखिए बच्चों, कार्बन टू से देखा, अब कार्बन थ्री से जुड़ी हुई चीजों को देखिए बच्चों, तो C3 से ध्यान दीजिए
क्या है, ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और बच्चों एक CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, C3 से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब बच्चों मैच कराइए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो देखिए बच्चों, अब आप देखिए ये दो सी एस थ्री दिखे आपको, ये दो सी एस थ्री दिख गए, ये कहां पर है बच्चों, बैक वाले कार्बन पर। तो इसको हमने बोला कि दो सी एस थ्री आपको दिख रहे हैं बैक वाले कार्बन पर, ये दो सी एस थ्री, क्योंकि इसमें तो बच्चों एक ही सी एस थ्री है सी थ्री पर, ठीक है। तो दो सी एस थ्री और वाई अननोन है, ध्यान दीजिए, दो सी एस थ्री है यहां पर और वाई अननोन, तो दो सी एस थ्री यहां पर और वाई जो हो गया ये हो गया आपका, तो वाई क्या हो गया बच्चों, सी एस थ्री। अब बच्चों तुमने वाई तो पता कर लिया, अब देखिए इस एक्स पर तो दो हाइड्रोजन है, तो बच्चों दो हाइड्रोजन यहां पर है, तो ये बच्चों ये क्या हो गया, सी थ्री वाला आपका हो गया बच्चों, डॉट वाला, ठीक है। इसमें बच्चों क्या, दो हाइड्रोजन और एक्स अननोन, तो दो हाइड्रोजन है तो ये एक्स हो गया बच्चों, इसमें एक्स और वाई दोनों ही क्या है बच्चों, सी एस थ्री है, इस तरीके से मैच कर गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब हम कार्बन 3 और 4 की अगर बात करते हैं, तो कार्बन 3 और 4 वाला ऐसा तो कुछ केस है नहीं, तो बच्चों हम उसको भी देख लेते हैं, कार्बन 3 और 4 में भी हम बना सकते हैं बच्चों, कंफर्मेशन हम किसी भी बॉन्ड के अबाउट बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको नीट लेवल पे ज्यादातर केसेस में क्या होगा बच्चों, से मेंशन कर देगा कि C2 C3 पर देखना है, C3 C4 पर देखना है, ठीक है। और वैसे तो थोड़ा क्या है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अच्छा था इसलिए हमने उठाया इसको। तो बच्चों अगर आप C3 C4 बॉन्ड को भी देखें तो उसके अबाउट भी देख सकते थे। तो अगर बच्चों हम C3 और C4 की बात करें, तो बच्चों C3 से अटैच चीजें क्या है, ट्रिपल एच, और C4 से अटैच चीजें क्या है बच्चों, C4 है बच्चों, C4 से अटैच चीजें क्या है, 3 हाइड्रोजन है। और बच्चों अगर आप इससे बात करें, C3 से बात करें, तो 2 हाइड्रोजन तो दिख रहे हैं बच्चों आपको, ठीक है। और फिर ये बड़ा सब ग्रुप हो जाएगा, ये वाला CH3 और CH3, इस तरीके से, ठीक है बच्चों, टर्शियरी ब्यूटाइल वाला, ये चीजें हम ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक गॉच पूछा है कि दिस गॉच फॉर्म इज स्टेबल व्हेन जेड क्या होगा। तो बच्चों देखिए, ये OH है और गॉच की स्टेबिलिटी, गॉच ज्यादा स्टेबल कब होता है, जब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला बच्चों क्या है, फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, OH भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और OCH3 भी इसका ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। तो ये सभी के सभी बच्चों क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली सिचुएशन है, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा ही इस चीज को, ये बच्चों OH और H और ये बच्चों H और Z की जगह पर बच्चों अगर हम फ्लोरीन लिख लें, इसने देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। इस तरीके से सभी के सभी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से सभी के सभी आ जाएंगे, और Z पर अगर ये FOH है, OCH3 हो, ये गॉच को क्या है बच्चों, स्टेबलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंपाउंड दिया है जिसमें C1 C2 बॉन्ड को मेंशन किया गया है, विच न्यूमैन प्रोजेक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो C1 C2 बॉन्ड के अबाउट बच्चों हमें इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन देखना है जो कि इससे मैच नहीं करता है। तो बच्चों देखिए, बच्चों अगर हम कार्बन 1 की बात करें, तो बच्चों कार्बन 1 से जुड़े हुए क्या है बच्चों, ये CH2Cl है, तो कार्बन 1 से हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और बच्चों अगर आप कार्बन 2 से बात करें, कार्बन 2 से क्या लगा हुआ है बच्चों, एक CH3, ये CH3 और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों हाइड्रोजन और CH3 और CH3, ये ग्रुप इनसे अटैच है बच्चों, हमने देख लिया, ध्यान दीजिए, एच ये CH2Cl है बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन कार्बन 1 से, और कार्बन 2 से बच्चों ये CH3 ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ये लगे हुए हैं। अब बच्चों आप मैच करें कि इनमें से कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो बच्चों आप देखिए, यहां अगर हम इसमें बात करें ए वाले ऑप्शन में, तो बच्चों ये फ्रंट कार्बन है, इसमें से HH और Cl लगा हुआ है, तो बच्चों HH और Cl का अरेंजमेंट मिला, ये तो ठीक है। अब बच्चों इसके बैक कार्बन की बात करो,
तो बैक कार्बन पर क्या है, HCS3CS3, तो HCS3CS3 ये दिए हुए हैं, तो बच्चों ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये सही है, आपसे पूछा डज नॉट रिप्रेजेंट। अब बच्चों हम इस बी में बात करें, तो इस बी में देखिए फ्रंट से क्लोरीन H और H जुड़े हुए हैं, ठीक है मिल गया, और बैक कार्बन से क्या है बच्चों, दो मिथाइल है और एक हाइड्रोजन, तो दो मिथाइल एक हाइड्रोजन है, ये भी बच्चों सही है। अब बच्चों हम इसकी बात करें, बच्चों इसमें देखिए फ्रंट पर एच एच और सीएल है, तो एच एच और सीएल है, ठीक है, बैक पर मिथाइल मिथाइल और हाइड्रोजन है, तो मिथाइल मिथाइल और हाइड्रोजन है बच्चों, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों हम इसकी बात करें तो डी वाले की, तो डी में देखिए एच एच और सीएल का रिमेन चाहिए एक ही कार्बन से, चाहे वो फ्रंट में हो या बैक में हो, तो एच एच और सीएल चाहिए बच्चों हमें, लेकिन बच्चों यहां पर देखिए एच सीएल और एच की जगह पर मिथाइल मिल गया, तो ये बच्चों इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो डज नॉट रिप्रेजेंट मतलब अरेंजमेंट बच्चों आपको सेम ही चाहिए एच एच और सीएल का, और सी टू वाले पर चाहिए बच्चों एच सी एस थ्री और सी एस थ्री का, तो जो जिस कार्बन से जो एटम या ग्रुप लगे हुए हैं बच्चों, वही एटम या ग्रुप उसी कार्बन से अटैच होने चाहिए, भले ही वो कार्बन फ्रंट में हो या वो बैक में हो, ठीक है। सीवन फ्रंट में भी हो सकता है, सीवन बैक में भी हो सकता है, लेकिन उससे जुड़े हुए एटम या ग्रुप बच्चों सेम ही होने चाहिए। तो जैसे एच एच और सीएल है, कुछ यहाँ पर क्या मिला, एच तो ठीक है सीएल भी ठीक है, लेकिन मिथाइल मिल गया, और जबकि हमें क्या चाहिए था, एक हाइड्रोजन और चाहिए था, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर ये हो गया, समझ गए होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द करेक्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर टू मिथाइल पेंटेन। बच्चों न्यूमैन प्रोजेक्शन ये दिए हैं टू मिथाइल पेंटेन के, कौन सा सही है वो देखना है कि क्या ये टू मिथाइल पेंटेन ही रिप्रेजेंट कर रहा है या कुछ और होंगे। तो बच्चों देखिए टू मिथाइल पेंटेन क्या है बच्चों, सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री वन टू सी एस टू थ्री सी एस टू फोर और CH3, ठीक है बच्चों ये 5, तो ये बच्चों 2 मिथाइल पेंटेन है। तो ऐसे केस में बच्चों हमें क्या है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन बना हुआ है, क्या वाकई में 2 मिथाइल पेंटेन है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिए इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे ये बच्चों ये है, तो इसमें अरेंजमेंट देखिए इसका हम इसी से हम ये ऐसा स्ट्रक्चर ही तैयार कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए कैसे हम इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ए को बच्चों ये सी एस थ्री है, ध्यान दीजिए सी एस थ्री, फिर सी एस थ्री बच्चों ये कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए क्या बच्चों, दो हाइड्रोजन जिसको हमने कहा सी एच टू, ठीक है। अब बच्चों ये फ्रंट कार्बन बैक कार्बन से एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो बैक कार्बन बनाया, तो बैक कार्बन से क्या क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन है, ठीक है हाइड्रोजन लगा दिया बैक कार्बन, तो मतलब बच्चों ये क्या है, ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये बच्चों ये क्या है बैक कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन लगा है, एक क्या लगा हुआ है बच्चों सी एस थ्री और एक है सी टू एच फाइव, तो बच्चों सी एस थ्री और सी टू एच फाइव क्या है बच्चों सी एच टू सी एस थ्री, क्या ये टू मिथाइल पेंटेन है बच्चों। बात समझ गए हमने इसको कैसे बनाया, फ्रंट कार्बन पर जो ग्रुप लगे हुए हैं बच्चों उसको देखिए सी एस थ्री है, ठीक है सी एस थ्री लिखा, फिर ये कार्बन आया बच्चों इससे जुड़े हुए दो हाइड्रोजन जिसको हमने लिखा बच्चों सी एच टू, ठीक है। अब आगे सर्कल की तरफ, तो ये बैक कार्बन है, ये सर्कल क्या है बच्चों ये कार्बन है, ठीक है ये सर्कल क्या है बच्चों ये कार्बन है, कार्बन से जुड़ा क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगाया सी एस थ्री लगाया और सी टू एच फाइव मतलब सी एस टू सी एस थ्री उसको लगाया, क्या ये टू मिथाइल पेंटेन है बच्चों देखिए, तो वन टू थ्री फोर और फाइव, तो बच्चों ये टू मिथाइल पेंटेन नहीं है, ये क्या है, ये है बच्चों थ्री मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो ये टू मिथाइल पेंटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन नहीं है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें बी की तरफ चलते हैं, तो बी में देख लीजिए सी एस थ्री है, ठीक है सी एस थ्री है, फिर क्या है बच्चों कार्बन है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है सी एच, और उसी कार्बन से एक सी एस थ्री और लगा हुआ है बच्चों, ये सी एस थ्री आ गया। अब बच्चों बैक कार्बन की तरफ चले, तो बैक कार्बन में दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बच्चों सी एस टू, और बैक कार्बन में एक ग्रुप और लगा हुआ है सी एस टू सी एस थ्री, ठीक है बच्चों। तो ये फ्रंट कार्बन था और ये क्या है बैक कार्बन, ठीक है वन टू थ्री
फोर फाइव, तो बच्चों ये रिप्रेजेंट करता है टू मिथाइल पेंटेन को, बच्चों आंसर आ गया। बाकी में भी चेक कर लेते हैं बच्चों, तो इसमें क्या लगा हुआ है बच्चों, फ्रंट कार्बन पर सी एस थ्री, ठीक है, और क्या है बच्चों फ्रंट कार्बन, ये बच्चों सी एस थ्री और इससे जुड़ा हुआ है एच, इससे जुड़ा हुआ है एक सी एस थ्री और, ठीक है। अब बच्चों आगे बैक कार्बन की तरफ, तो बैक कार्बन में देखिए क्या है, ये कार्बन उससे जुड़े हुए दो हाइड्रोजन तो सी एच टू, और क्या जुड़ा हुआ है बच्चों सी एस थ्री, तो वन टू थ्री और फोर, बच्चों इसमें टोटली फाइव कार्बन है, वन टू थ्री फोर और फाइव। तो बच्चों ये क्या है, ये बच्चों ये है टू मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है बच्चों, तो ये टू मिथाइल ब्यूटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू मिथाइल पेंटेन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब बच्चों इसमें देखिए बच्चों, ये फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन से क्या लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन और सी एस टू सी एस थ्री। तो बच्चों देखिए, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो, देखिए फ्रंट कार्बन है, ये डॉट वाला बना लीजिए आप, ठीक है, ऐसे क्या लगेंगे, दो हाइड्रोजन लिख दीजिए आप, फिर क्या है सी एस टू सी एस थ्री, आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, बच्चों ये रहा बैक कार्बन, तो फ्रंट और बैक के बीच बनता है बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और बैक कार्बन से क्या लगा हुआ है बच्चों, देखिए इस सर्कल से जुड़े हुए चीजें क्या है, हाइड्रोजन सी एस थ्री और हाइड्रोजन, तो बच्चों हाइड्रोजन हाइड्रोजन और सी एस थ्री ये सर्कल से लगे हुए हैं। अब आप इसको कायदे से लिख दो, तो कायदे से क्या है बच्चों, सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू, देखिए ये सी एस थ्री ये सी एस टू और ये क्या बच्चों सी एस टू, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, कार्बन है तो सी एस टू सी एस थ्री, ठीक है, ये तो बन गया वन टू थ्री फोर फाइव, ये बच्चों पेंटेन हो गया, ठीक है। तो हमने बच्चों एक एक करके चीजों को डिटेल में देखा कि किस तरीके से हम इसमें कन्फर्मेशन में आइडेंटिफाई करते हैं सही स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, कंफर्मेशन फॉर द रोटेशन अबाउट सी वन सी टू बॉन्ड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो बच्चों स्ट्रक्चर है सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री, तो सी वन सी टू बॉन्ड कौन सा बनेगा बच्चों, वन टू थ्री और फोर, ठीक है। तो उस कंफर्मेशन को हमें फाइंड करना है कि जो इस बॉन्ड से हम बना रहे हैं, ठीक है बच्चों, सी वन सी टू। तो अब बच्चों अगर हम सी वन की बात करें, ध्यान दीजिए बच्चों, सी वन की बात करें तो ट्रिपल एच है, इस कार्बन से जुड़े हुए बच्चों क्या तीन हाइड्रोजन है, और बच्चों आप अगर सी टू की बात करो तो सी टू से जुड़ा हुआ क्या है, हाइड्रोजन, और बच्चों सी एस थ्री एच और सी एस थ्री और ये ग्रुप क्या है बच्चों सी एच टू सी एस थ्री, ठीक है बच्चों बात समझ गए। तो सी वन से जुड़े हुए तीन एटम मिले आपको, और सी टू से जुड़े हुए तीन जो अरेंजमेंट है एटम या ग्रुप का, एच सी एस थ्री और सी टू एच फाइव, तो यही आपको देखना है। अब देखिए ट्रिपल एच कहां पर है, ये तो मिल गया आपको ट्रिपल एच, तब मतलब सी वन फ्रंट में भी हो सकता है बच्चों, सी वन बैक में भी हो सकता है, सी टू फ्रंट में भी हो सकता है, सी टू बैक में भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि अगर हम कार्बन सी वन फ्रंट में हो या बैक में हो, आपको तीन हाइड्रोजन देखने हैं, तीन हाइड्रोजन कहां दिख रहे हैं, तो तीन हाइड्रोजन आपको दिख गए, ये बैक वाले पर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब सी टू पर एच सी एस थ्री और सी टू एच फाइव चाहिए, तो सी टू कार्बन पर देखिए एच है सी एस थ्री है और सी एस टू सी एस थ्री, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। अब बाकी ऑप्शन में भी चेक कर लीजिए सी वन सी टू, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए सी एस थ्री एच और सी एच टू सी एस थ्री, मतलब फ्रंट वाले कार्बन का ये अरेंजमेंट तो दिख रहा है, एच है तो फ्रंट में देखो हाइड्रोजन भी है, सी एस थ्री है तो फ्रंट में सी एस थ्री भी है, और सी एस टू सी एस थ्री भी है, सी एस टू सी एस थ्री भी है, ये तो ठीक है। लेकिन बच्चों बैक कार्बन की बात करें तो बैक में अरेंजमेंट फिर आपको ट्रिपल एच का चाहिए, लेकिन बैक में तो सी एस थ्री और एच मिल रहा है, ये तो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं रहा आपका, ठीक है बच्चों।
अब इसी तरीके से इसमें देखिए सी में चूंकि बॉन्ड मेंशन कर दिया C1 C2 और हम नंबरिंग IUPAC के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, अगर इसमें नंबर मेंशन नहीं किया है तो, ठीक है, तो हमने IUPAC सीक्वेंस के हिसाब से देखा। अब देखिए इसमें देखिए तो यहां देखिए HHH बैक कार्बन पर ट्रिपल एच दिख रहे हैं बच्चों आपको, ये बैक कार्बन है, ट्रिपल एच है, ट्रिपल एच है, देखो यहां पर भी ट्रिपल एच है, ये तो ठीक है। तो हम फ्रंट कार्बन पर देखें तो यही अरेंजमेंट दिखना चाहिए, तो फ्रंट कार्बन पर यही सेम अरेंजमेंट आपको बच्चों नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें फ्रंट कार्बन पर क्या है CH3 और H, जबकि ये तो इससे मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको यही चाहिए था C1 C2 बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन है हमें वो देखना था, ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं बॉन्ड्स को ही विचार कर रहे हैं कि C1 C2 पर ये फिक्स कर दिया गया, यही चीजें होनी चाहिए। और बच्चों यहाँ पर देखिए फ्रंट में तो ट्रिपल एच मिला, तो बच्चों ट्रिपल एच तो है हमारे पास, लेकिन बैक कार्बन में देखिए HH और C2H5, देखो HH C2H5 तो है नहीं, यहाँ पर क्या है HCH3 और C2H5 है, तो आंसर आ गया बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में ब्यूटेन का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बच्चों बना हुआ है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और डायहेड्रल एंगल के बीच का ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ में बच्चों ये पॉइंट्स कुछ मेंशन किए गए हैं और इन पॉइंट से हमें बताना है कि ब्यूटेन का कौन सा कन्फर्मेशन 0.3 पर होगा या 0.4 पर ब्यूटेन का कौन सा कन्फर्मेशन होगा। बच्चों इसको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं स्टेबिलिटी वाला फैक्टर, ठीक है। बच्चों हमने देखा था स्टेबिलिटी में तो ब्यूटेन के जो कन्फर्मेशन डिफरेंट बनाए थे बच्चों उसमें एंटी वाला कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल था, एंटी के बाद बच्चों गॉज था, फिर बच्चों पार्शियल एक्लिप्स्ड, और इसके बाद था बच्चों फुली एक्लिप्स्ड, ठीक है। बच्चों फुली एक्लिप्स कन्फर्मेशन लीस्ट स्टेबल था और बच्चों एंटी कन्फर्मेशन था बच्चों वो मोस्ट स्टेबल था। बच्चों स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो बच्चों ऐसा कन्फर्मेशन जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, जो कन्फर्मेशन बच्चों मोर स्टेबल है, ठीक है, उस कन्फर्मेशन की बच्चों एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो बच्चों जिसकी जिस कन्फर्मेशन की एनर्जी ज्यादा है उस कन्फर्मेशन की बच्चों स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों हाई एनर्जी को और ये डिक्रीज लोअर एरो जो पॉइंट किया है नीचे की तरफ ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेस स्टेबिलिटी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जिसका स्टेबिलिटी कम होगा उसका एनर्जी क्या है बच्चों, ज्यादा होगा। तो अब बच्चों देखिए इस पीक को देखिए मतलब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हाई एनर्जी का पीक ये है, ये क्या बच्चों लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो बच्चों इस पॉइंट को बात करें तो ये पॉइंट सबसे लो एनर्जी का है, ये पॉइंट लो एनर्जी का है, ये कंफर्मेशन बच्चों क्या है, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो बच्चों अगर स्टेबिलिटी बात करें तो 0.1 और 0.7 दोनों की एनर्जी सेम है बच्चों, ठीक है, वो एंटी को रिप्रेजेंट करेंगे और हाईएस्ट एनर्जी का जो बच्चों पीक है वो लीस्ट स्टेबल है और स्टेबिलिटी में सबसे लीस्ट कौन सा है बच्चों, फुली एक्लिप्स जो कि बच्चों 0.4 आ जाएगा। अब बच्चों देखिए थर्ड और फिफ्थ पॉइंट और सेकेंड और सिक्स पॉइंट की बच्चों एनर्जी क्या है, सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन गया बच्चों, ये दोनों ही सेकेंड और सिक्स वाला जो है बच्चों ये सेम एनर्जी के हैं। तो बच्चों इसके बाद देखिए अब गॉच वाला कौन सा पॉइंट होगा, ये भी पूछ सकता है कि इनमें से गॉच कौन से हैं। तो गॉच अब देखिए गॉच और पार्शियल एक्लिप्स दो ही बचे और यहाँ पर ये पीक भी आपकी दो ही है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए हाईएस्ट एनर्जी के बाद नेक्स्ट जो दूसरा एनर्जी का पीक है जो हाई है वो बच्चों सेकेंड और सिक्स, तो सेकेंड और सिक्स बच्चों यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे हाई एनर्जी का ये, फिर उससे कम एनर्जी का ये और इससे भी कम एनर्जी का है ये बच्चों 3 और 5। तो 3 और 5 बच्चों सेम एनर्जी के हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे गॉज कन्फर्मेशन को, ठीक है बच्चों, पर एंटी वाला तो हमने देख लिया। तो बच्चों अब इसमें देखिए इसकी बात करें तो ये पॉइंट बच्चों हो जाएगा
फुली इक्लिप्स हो गया आपका बच्चों, एफ ई से लिख दिया, और पार्शियल इक्लिप्स को लिख दिया बच्चों हमने पीई से, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका पार्शियल इक्लिप्स, ठीक है, ये हो गया पॉइंट पार्शियल इक्लिप्स, और ये बच्चों हो गया फुली इक्लिप्स, ठीक है, और ये पॉइंट है बच्चों गॉज का, ये पॉइंट है बच्चों गॉज का, ठीक है, और ये मोस्ट स्टेबल है बच्चों, ये पॉइंट है एनटी और ये पॉइंट है बच्चों एनटी, ठीक है। एनटी कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन सी एस थ्री एच एच, ये बच्चों आ गया एनटी, इसमें फर्स्ट और सेवन इसकी एनर्जी सेम है बच्चों, ये एनटी वाला आ गया। अब बच्चों फुली एक्लिप्स की बात करें तो फुली एक्लिप्स है पॉइंट फोर पर सी एस थ्री एच एच एच, इस तरीके से बच्चों सी एस थ्री, ठीक है बच्चों, ये फुली एक्लिप्स आ गया। अब बात करते हैं बच्चों गॉज की, तो गॉज है आपका थ्री और फाइव पर, कुछ ऐसे मिलेगा सी एस थ्री एच एच, ये रहा बच्चों गॉज, गॉज को ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों सी एस थ्री एच एच और एच, जो थ्री और फाइव वाला हो गया गॉज। और फोर टू और सिक्स की बात करें बच्चों, तो टू और सिक्स सेम एनर्जी के हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों पार्शियल इक्लिप्स को, तो पार्शियल इक्लिप्स में बच्चों कुछ हमें ऐसे दिखेगा सिस्टम, जैसे सी एस थ्री है, सी एस थ्री के पीछे एच आ गया, और ये एच के पीछे सी एस थ्री आ गया, इस तरीके से बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा फॉर्मेट रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके का कंफर्मेशन पार्शियल इक्लिप्स को, ठीक है बच्चों।